अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आप जहाँ कहीं रहें, जिस मुल्क में रहें, जिस शहर में रहें, जिस गली में रहें, जिस कूचे में रहें, जिस घर में रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। तो मैंने अपनी वीडियो कर दिया आगाज़, आपने रहना मेरे साथ साथ। तो ये जी आसिफ लेटे हुए हैं, तो इन्होंने रख लिया है आज चुपशा का रोज़ा। आप बोलेंगे कि चुपशा का रोज़ा क्या होता है, तो जनाब वो ये रोज़ा था, इसमें इंसान को चुप लग जाती है, और इंसान रोज़ा तो होता ही है, और चुपशा का एक अलग से रोज़ा हो जाता है कि चुप रख देखता है, कुफले मदीना दबान पे लगा लिया है, बिल्कुल बोल नहीं बात नहीं कर रही, क्योंकि गला इनका ख़राब है और मेरा भी ख़राब है, जैसा कि आपको महसूस हो रहा होगा आवाज़ से भी। ये तो ये देखें लेटे हुए, बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों गले में दर्द है, नहीं तो ये शोर में जाते, मेरी वीडियो क्यों बना रही हो, मेरी वीडियो क्यों बना रही हो। ये देखें, इसको कहते हैं चुपचाप का रोज़ा, ऐसा बंदा हो जाता है जब चुपचाप का रोज़ा रख लेना। अरे इतनी दुआएँ मांगी व्यूअर्स ने आप लोग के, आपके लिए तो शुक्रिया तो अदा कर दें इन्होंने, अल्लाह इतना लठ मारने के अंदाज में शुक्रिया, सब बोलो कि सब बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया, जिस तरह बोलते हैं भाई, वीडियो भी नहीं देखनी करनी उन्होंने तड़ी ना वीडियो, उन्होंने आखना चल बंदा तो मुँह ही नहीं लाता, उन्हें तो नहीं लाना मुँह, उन्हें आखना चल जा फिर अपनी वीडियो आप ही देखो। तो अखलाक होता इंसान का कोई, क्या आपने मेरी दुआएं की यूं करके बोलो आज जी से, तो इस तरह छोटी हमारी मिसाल है ना, मेरी भतीजी छोटी, तो वो उसको बोलते हैं कि यूं बोलो तो यूं बोलो, वो भी अपने पास से चार बातें कर लेती है। तो ये है कि प्यारे व्यूअर्स, आपने आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आसिफ सही हो चुके हैं, लेकिन अब ये है कि ज़बान पर कुफर लगाया हुआ, यानी कि चुपचाप का रोज़ा रखा हुआ है, तो कोई बकवास नहीं कर रही, मैं ठीक कह रही हूँ, बात नहीं कर रहे, ये नहीं बात कर रहे, तो मैं भी नहीं कर रही बात, जाहिर है जब आप ये बात नहीं करेंगे तो मैं क्यों करूँगी, अब इतना तबीयत सही नहीं तो मेरी भी सही नहीं, वही तो कह रही मैं भी नहीं कर रही ना, मैं तो फिर वीडियो बना रही हूँ, जाहिर है कल भी नहीं बनाई ना, परसों बनाई थी, कल नहीं बनाई मैंने ना, तो सब पूछ रहे थे आपकी वीडियो नहीं आई, वीडियो नहीं आई, देखिए मैं कितनी फेमस हो गई हूँ, लोग पूछते रहे कि तुम्हारी वीडियो नहीं आई, तो ये देखें जी, तो मैंने कहा चले भैया आपके साथ, हाँ ना पूछ रहे थे और क्या, कैसे आपकी वीडियो नहीं आई, तो फिर ये है कि आँखों क्यों नहीं मले, फिर और वो हो जाएगा नज़ला था, इनका नज़ला सही हो गया, आज इनको गर्म पानी मिलेगा, सब ने यही मशवरा दिया कि गर्म पानी पिए, तो गर्म पानी, फ्रूट चाट भी गर्म, पकोड़े भी गर्म पकोड़े ठंडा करके दूंगी इनको ना, तो मैंने कहा चले भैया वीडियो आज हम अपनी बना लेते हैं, तो हाँ छुट्टी भी की है भैया आज इन्होंने ना, कभी इन्होंने वैसे छुट्टियों की, बहुत लागे रो गए थे बेचारे ना, इन्होंने फिर कर ली छुट्टी, फिर इन्होंने सेठ ने फिर देर सड़ी छुट्टी, इन्होंने उनके भाई चलो रोज़ ज़्यादा लिहाज भी कर लिया, ये कि चलो उन्होंने छुट्टी दे दी, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने दे दी, क्योंकि रमज़ान में तो काम तो होता तो नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी ये कि छुट्टी कर ली इन्होंने आज। तो आपने रहना मेरे साथ साथ, और मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं, और जिस तरह आप करते हैं अच्छे अच्छे तो करते हैं, सब कहते हैं कि भाई बाजी अच्छे अच्छे कमेंट्स क्या होते हैं, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स यही होते हैं कि आप लोग अच्छे करते हैं, तो आपने रहना मेरे साथ साथ। भाजी बना लगी फ्रूट चाट, खरबूजी यानी कि खरबूजा, और ये एक सेब है, ये हालत देखिए फ्रूट की क्या है, और ये भी 250 से कम नहीं चीज़ें, ये देखें ज़रा, और ये दो केले, यह होती है बिल्लो भाजी की चाट में चीज़ा, ये होती मेरी चाट में चीज़ें, और ये है पकौड़ों का मसाला बनाऊँगी, पालक एक आलू, और अभी एक प्याज डालूँगी, तो मैंने कहा चले भाई आपके साथ ये भी शेयर करूँ कि भाई बिल्लो भाजी की चाट में की चीज़ें होंगे ना, सीक्रेट नहीं है कोई, तो ये मैं बता रही हूँ आपको भाई ये चीज़ें हैं, तो ये भी आपके साथ शेयर करूँ, तो मेरे नाल ना लेना, मैं कल्या बड़ा डर लगता जे, चलो जी ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना मेरी वीडियो, तो सब्सक्राइब चैनल जरूर कर दियो, तो लाइक जरूर करा करो, बड़े कंजूस हो तुम, रोज़े में थोड़ी उंगली बिल्कुल नहीं हिल रही, 35 कमेंट होते हैं, तो 200 कोई कमेंट आ जाते हैं, तो 35 लाइक होते हैं उसमें ना, जिहड़ा बंदा 200 कमेंट कर रहा है, वो जो बंदा 200 कमेंट कर रहा है, तो वो 200 बंदों ने देखी ना मेरी वीडियो, जब टच की जो भी है, उंगली से ज़रा सा लाइक कर दिया करें प्यारे प्यारे बहन भाई, रोज़े में मेरी ये इल्तजा आपसे कि मुझे लाइक ज़रूर किया करें, तो मिल चलती रहेगी आपके साथ ये शेयरिंग मेरी। व्यूअर्स ये देखें आसिफ शरबत बना रहे हैं, मैंने इनको रेड हैंड आपको पकड़वाया है, ये देखें शरबत बना रहे पीछे मुँह करके ना, अगर मुझे चीज़ें नजर ना आए, कितनी चीनी डाली है, कितनी चीज़ें डाली हैं,
और फ्रूट चाट क्यों रख दी फ्रिज में? मैंने मना किया है ठंडी चीज़ नहीं खानी। करिए फ्रूट करिए। फ्रूट चाट क्यों रखी? मैंने कहा बाहर निकाल के रखो, अंदर सारी चस्का आपका जबान का नहीं जाता कि भाई। लैंग्वेज देखे ज़रा कैसे यूज़ करते हैं आप, ये देखे ज़रा इनकी ना, रोज़े में भी कोई ज़बान में ना कोई मिठास नहीं है, रोज़े ने भी नहीं की ना कि भाई बंदा कोई प्यार मोहब्बत से बात कर लेता ना। अब फिर मैं बोलूँगी तो फिर अल्लाह ताला रोज़े में तो कहते हैं कि हर इस पर भी मुझे अजर ही मिलेगा, चुप हूँ मैं तो। ये देखें जी, ये फिर भी जिम कर लिया तो पंखा देखिए कितना चलाया हुआ, दो चार बार चल रहे ना। मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है कि जिसका कोई है हिसाब नहीं। इनका ये पैर पैर भी, बस इनका ये है कि इनका कहना है कि ना बुखार हो ना तो बंदे को वो ना पंखा बंद करके दो गोली खा के उसकी, कौन सी खाते टेबलेट आप, क्या कहते हैं वो जो कहते हैं पुराने ज़माने में शेर वाली गोलियों का क्या नाम है, तो क्या कहते हैं उसको? अच्छा पैरासीटामोल। पैरासीटामोल खा के ये मुझे अपने नाना की याद दिला दी। मैंने कहा तुमने तो नाना अब्बू वाली बातें कर रहे हो। कहता है कि ना पंखा बंद कर दे और मैं गोलियां दो खा के उस पर चादर लेके और फिर मेरा पसीना आएगा, बुखार उतर जाएगा। तो मैंने कहा ये कौन से पुराने ज़माने वाले तरीके, डॉक्टर तो कहते हैं कि आप जब तेज़ बुखार हो तो मुंह धो लो या सर धो लो उतर जाएगा। तो ये देखे मैंने कहा तुमने तो मेरे नाना अब्बू की याद दिला दी है। तो प्यार बेबी बस इस वजह से मैंने कहा चले भैया आपके साथ ये वीडियो छोटी सी शेयर करूँ और आसिफ की रोज़े में जो एक्टिविटी वो आपको दिखाऊँ मैं क्या है। आज ये घर पे थे लेकिन वीडियो बनाने का टाइम ही मिला, मेरा भी बहुत ज़्यादा गला ख़राब है और गले में दर्द है और साथ में बुखार है, लेकिन मुझे बुखार ऐसा है कि मुझे बहुत गर्मी लगती है बुखार में ना, तो इस वजह से। तो ये है कि तो मैंने कहा चले फिर आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर लूँ वीडियो। तो प्यारे व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको पसंद है तो ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करीजिएगा और प्यारे व्यूअर्स लाइक ज़रूर कीजिए किया करें, ये हौसला अफजाई होती है आपकी तरफ से, हमारा इनाम होता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इतनी लंबी वीडियो कहाँ देखी जाएगी आपसे रोज़े में ना, इस वजह से। तो ये जा रहे थे बाहर, जा रहे आलू लेने, तो मैंने कहा था कि चले आलू ख़त्म हो गए तो आलू ले आए ना। तो ये देखें जी चुप शाह ने चुप शाह का ही रोज़ा रखा हुआ है, तो कम बात कर रहे हैं, मेरे से भी बोला तो नहीं जा रहा, लेकिन ये है कि अब इतना भी नहीं कि मैं बहुत कम बोल रही हूँ, वीडियो तो मुझे बनानी थी आप लोग को देनी थी। चलो जी बिल्लेबाजी नूं दियो इजाज़त, ते मिलने हैं नेक्स्ट वीडियो विच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।